हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। फ्रेंड, आज आपके लिए एक और नए डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि आस्तीन की डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखेंगे, समझेंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये आस्तीन है जो पहले से कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से 10.5 इंच है और इसको हम साइड में रखेंगे और एक इस तरह से कपड़ा लेंगे। ये प्रिंट वाला कपड़ा है, आप अपने हिसाब से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच होना चाहिए और इसकी लंबाई आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, पतला फोल्ड करना है, एकदम पतले ही मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे सीधी। तो इस तरह से बराबर करते हुए हमको सीधा सिलाई लगा लेना है पतला मोड़ते हुए। फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज, जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो इस तरह से हमको एकदम पतला से इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है और ये हमारा इस तरह से सिलाई हो चुका है। इसको हम काट के निकाल देंगे। काटने के बाद हम इसको सीधा करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से सीधा कर लेना है और इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद 1 इंच हमको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, एक बार मोड़ना है और सीधा सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हम, चलिए सीधा सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है बराबर करते हुए 1 इंच मोड़ के। तो फ्रेंड, ये बहुत ईजी है, इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है और इस तरह से ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। काटने के बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने सिलाई लगाया है, सिलाई के ऊपर इस तरह से हम चुन लगा लेंगे, सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला के। तो इस तरह से हमको चुन लगा लेना है, गेजिंग लगाना है। तो इस तरह से हम चुन लगा लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको चुन लगाना है। तो हम इस तरह से चुन, मतलब गेजिंग लगा लेंगे बराबर करते हुए। तो इस तरह से हमको लगाना है, ये बहुत ईजी है। इस तरह से हम पूरा नीचे तक चुन लगा लेंगे इस तरह से बराबर करते हुए। आप देख सकते हैं सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाना है और ये हमारा इस तरह से हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा फ्रिल तैयार हो गया है और इसको हम साइड में रखेंगे, आस्तीन लेंगे। आस्तीन को हम नीचे की तरफ इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको भी हम काट के निकालेंगे। काटने के बाद जो हमने फ्रिल को तैयार किया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और अटैच करेंगे सिलाई लगाते हुए। तो जो हमने सिलाई लगाया था, सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला के इसको भी हम अटैच कर लेंगे इस तरह से बराबर करते हुए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बराबर करना है और सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरह से हम बराबर करते हुए इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमको फ्रिल को अटैच कर लेना है बराबर करते हुए और ये हमारा इस तरह से फ्रिल अटैच हो गया। इसको हम काट के निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा फ्रिल है इसको भी हम काट देंगे। काटने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रिल हमारा अटैच हो गया है। उसके बाद एक कपड़ा और लेना है, लंबा से कपड़ा लेंगे, इस तरह से कपड़ा लेना है। इसकी चौड़ाई आप यहाँ से देख सकते हैं 2.5 इंच है। तो इस तरह से 2.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेंगे और इसको हम एक बार इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो हमको 1 इंच का गैप छोड़ के इसको अटैच कर लेना है इस तरह से सिलाई लगा के। तो इस तरह से हम सीधा सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम काट देंगे। काटने के बाद आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमको इस तरह से मोड़ना है अंदर की तरफ। तो 1 इंच हमको इस तरह से चौड़ा पट्टी मोड़ना है, 1 इंच का पट्टी हम रखेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे दूसरी तरफ सेम इसी तरह से और इसको भी हम अटैच करेंगे इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे और यह हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पट्टी लग चुका है और सेम इसी तरह से हम दूसरा भी लगाएंगे। तो 1 इंच और 1.5 इंच आप अपने हिसाब से जितना भी गैप रखना चाहें रख सकते हैं और दूसरे वाले पट्टी को भी हम इस तरह से, लंबी पट्टी जो हमारी है इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा के हमको इसको अटैच कर लेना है दूसरे वाले को भी। तो इस तरह से ये हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे और दूसरी तरफ हमको इसको भी 1 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच के लिए 1 इंच मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगा के दूसरी तरफ भी इसको पैक करके इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर को अटैच कर लेना है और ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम काट के निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी रहेगा हमारा काट लेंगे उसको और उसके बाद हम ऊपर की तरफ एक पट्टी और अटैच करेंगे। तो हमको 3 पट्टी इस तरह से अटैच करना है। तो इसको भी हम 1 इंच 1.5 इंच आप अपने हिसाब से जो भी गैप छोड़ना चाहें उस तरह से गैप छोड़ के इसको भी अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए हमको अटैच कर लेना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम अटैच करेंगे।
और ये हमारा हो चुका है, इसको हम काट के निकालेंगे। काटने के बाद हमको ऊपर की तरफ इस तरह से 1 इंच इसको भी रखना है, तो इसको भी हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से सीधी सिलाई इसको भी लगाएंगे। तो ये हो चुका है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे, इस तरह से काट लेना है। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है और इसमें हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो आप अपना फिटिंग जो भी फिटिंग रखना चाहें उस हिसाब से इसको साइड की सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे और अंदर हमको ध्यान देना है, कपड़ा नहीं दबना चाहिए और इस तरह से हमको साइड की सिलाई लगाना है। और ये हमारा सिलाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो इसको सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज किसी में भी बना सकते हैं। फ्रेंड आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये दोनों में से एक कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।